अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी दोबारा से एक महफिल लगी है। आज एक हसीन सी शाम में हमारे कोई चार दोस्त इकट्ठे हुए हैं। दिखाएं ज़रा हमारे फैंस को। और वापसी कैमरा मुझ पे आ गया है। चलो मैं आपको बताता हूँ, आज फिर हम एक महफिल में आए हैं चायखाना F6 में, और यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल है, हर तरफ एक खूबसूरती का एक आलम है, और हम छड़े घूम रहे हैं बेशक, मगर हम सख्त लोंडे हैं, पर जब हम यहाँ पे आए तो हम पिघल गए, बहुत पिघल गए। वो मेरे भाई घा घा के गला ख़राब कर दिया, मगर बच्ची उनको भी नहीं मिली। और हमारा एक और दोस्त जो हमारा पीछा कर रहा था वो रास्ता भूल गया, अयूबी साहब उनको रास्ता गाइड कर रहे हैं। ये हमारे मोहतरम वानी एहतराम वानी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल स्कूल के ऑनर भी है, उनके राइट हैंड है, बैकबोन है। तो इसके बाद ये हमारे अयूबी साहब हैं, और ये हमारे शेर गिजर है, और ये मैं हूँ ये पार्टी हो रही है, चाय के लिए आए हैं पिंडी से। ये सीन है, बस इधर जिंदगी का मजा, कहने का मतलब फैंस हम अमीर लोग, मजार साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये सारी जितनी जगह है ये अमीरों के लिए, मेहनत कर लो, अमीर बनो, एंजॉय करो, अच्छा माहौल है, सब कुछ नेचर है, बहुत मज़ा आता है यार इसे घूमने फिरने का। बात ये है कि और क्या बताएं आपको, बस अभी चाय आने वाली है, चाय के साथ हमने चिप्स मंगवाए, फिश मंगवाए, खा लेंगे, खाते हुए भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे, ताकि आप लोगों के मुंह में भी पानी आ जाए। मेहनत तो आप लोग वेंचोरों करते नहीं हो, तो मेहनत कर लो, कमाओ, खाओ। तो बार जब दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास जो है हमारी इनवाइट शेर साहब की तरफ से थी, फख्र गिजर जिसको कहते हैं, शहीदों की सरजमीन जिसको कहा जाता है, ये उसी इलाके से बिलोंग करते हो, बोसुन के सीधा ही करना, अब आधा उल्टा आधा सीधा ही। तो ये क्या हो गया मज़ा नहीं आ रहा, क्या हो गया मज़ा तुम्हें नहीं आ रहा, देखने वाले को मज़ा आ रहा यार, ऐसे ही नहीं हो गया, ये मज़ा नहीं। ये ललित जान जहाँ पे थे उसी इलाके से हमारे जो निशान हैदर जिसको मिला है, उसी इलाके से, ये इसका भी कुछ इधर उधर हो रहा है, इसके बारे में कुछ कह। और मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, थोड़ा सीरियस होकर बात किया करो, ये इसको हम दोस्त यारी में हम इसको मौली कह सकते हैं। आप लोग मौली तो आप लोग जानते होंगे, जिसको सलाद भी हम बनाते होते हैं। तो इसका ये जो माथे है, रात के टाइम हम इसको बाहर इसलिए नहीं जाते जाने देते,
गाड़ी का लाइट खुदा ना करे इसके माथे पे पड़ गया, रिफ्लेक्शन होके फिर अगली गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। तो बाकी इसके दांत जो है वो आर्टिफिशियल है, तो एक दो दांत इसके सोने के हैं, दो चांदी के हैं, बाकी हम इसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारे एमपी साहब हैं, ये बिलोंग करते हैं गिलगित से, तो ये बड़े तगड़े लोग हैं गिलगित के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बारी आते हैं इस कंजर की तरफ। ये कंजर बिलोंग करता है क्वेटे से, यूनिवर्सिटी से लेकर अभी तक इसके वही सेम चुतिया पे, सेम वही लड़कियों के गुनाहों से रोकने वाला एक वाहिद इंसान। ये मुझ जैसे शरीफ बंदे को इसने गलत कामों पे लगाया। बारकेफ मैं तो एक आलिम बंदा हूँ इनके हिसाब से। तो ये बेसिकली क्वेटा से, यहाँ माँ बाप ने इसको पढ़ने के लिए भेजा था बारकेफ, माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा ना उतर सका, तो अभी ये पार्ट टाइम इधर काम करते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर सीरीज करते हैं, और दूसरे इसके इंट्रोडक्शन में करवाते चलूँ। और ये मज़ार साहब जो है शॉर्ट क्राइम पेट्रोल, ये पार्ट टाइम क्राइम पेट्रोल के डायरेक्टर भी हैं, क्राइम पेट्रोल की वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। तो बाकी आप इस तरफ करो, आगे के मैं तुझे बताता हूँ। ये नहीं है गलत बात नहीं, मैं थोड़ा सा तेरा इंट्रो करवाना चाहता हूँ। फैंस तो मैं ज़रा शुजादुल्ला पोर्न स्टार के बारे में आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ। ये वो हस्ती है जो मुझे आज से 2016 में मिली थी, 2016 में मिली थी, और तब से इस ये वो बंदा है जिसने लोगों के ना तो बच्चे छोड़े ना बच्चियां छोड़ी। ये वो जहन्नमी है जिसकी टिकट कन्फर्म है, इसकी बख्शिश कन्फर्म नहीं है, और मुझे इसको देखते हुए बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, मगर फिर भी फैंस हमारा दोस्त है, हम इसको समझाते रहते हैं, इन चीज़ों से हटाते रहते हैं, मगर लानती लोग कभी सीधे हो ही नहीं सकते। कल फिर ये बच्ची लेके आया हुआ था। देखिए फैंस, इसको नहीं है 1%